आओ बच्चों शुरू करते हैं नया मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ये मेथड क्या है, पहले हेडिंग लिख लो मेरे बच्चा, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे तीन मेथड आते हैं इसमें, वन बाय वन सारे बताऊंगा। सबसे पहला मेथड है मेरा वेरिएबल सेपरेशन मेथड। बेटा सबसे पहला मेथड क्या है मेरा, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। फिर आते होमोजीनियस, फिर आते लीनियर, उसके बाद तब करूंगा जब पढ़ाऊंगा। ये क्या है वेरिएबल सेपरेशन और ये क्या है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। इससे आपको याद होगा बेटा, हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, मैंने आपको एक टास्क दिया था कि मान लो मेरा वाई इक्वल टू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वाई माइनस वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। डू यू रिमेंबर दैट, ये करा था हमने। ये क्या थी, डिफरेंशियल इक्वेशन थी, सॉल्यूशन था, डिफरेंशियल इक्वेशन याद है ना, सॉल्यूशन क्या है बिना डेरिवेटिव के। अब अगर मैं बोलूँ किसी तरह ये पता लगाओ कि इसकी एक्चुअली ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, दैट इज कॉल्ड योर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर यही सीखेंगे कि हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। पहला पॉइंट क्लियर। जैसा अभी एक क्वेश्चन मैंने भी कराया डाउट में, ये एक इक्वेशन दे रखी है, लेट सपोज मैं आपको बोलूँ कि बेटा ये एक इक्वेशन है मेरी और इससे मेरे को क्या निकालना है, इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से डिफरेंशियल निकालना आसान है, डिफरेंशियल से सॉल्यूशन निकालना खेल है असली, बच्चों वाला नहीं। तो हम वही अब सीखने जा रहे हैं, रेडी। तो पहला मेथड है मेरा डिफरेंशियल मेथड, सॉरी वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इसको समझाने के लिए मैं पिक करूंगा एग्जांपल नंबर 9 ओल्ड बुक्स में, एंड न्यू बुक्स में आई गेस ये होगा एग्जांपल नंबर 4। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यही है एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 4 न्यू बुक्स में, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन में 2 माइनस वाई। बहुत टफ नहीं है, कुछ नहीं करना आपके साथ। यहां वेरिएबल सेपरेशन क्या है, एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ, दैट्स इट। हो सकता है कि x वाले सारे एक तरफ हो जाए, y वाले एक तरफ हो जाए, क्या करूं मैं इसको, इसको यहाँ 2 माइनस वाई डी वाई एक्स प्लस वन डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। x प्लस वन डी एक्स राइट, सॉल्व करना आता है कैसे सर, 2 का इंटीग्रेशन 2y, y का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, प्राची आपसे पूछते हैं ऑनलाइन में, y का इंटीग्रेशन बच्चा, y का इंटीग्रेशन नहीं पता, बिल्कुल सही कहा, y स्क्वायर बाय 2, क्लियर, y स्क्वायर बाय 2। इसको c नहीं लिखना, c एक तरफ लिखते हैं, x की साइड लिखते हैं हम, ठीक है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी राइट। अब इसे चाहो खोल सकते हो, कैसे आप एलसीएम करो, एलसीएम क्या देगा, हाँ आगे चल के बताऊंगा कि कब वाई की तरफ होगा वो भी आगे पता लगेगा। अभी फिलहाल वेरिएबल सेपरेशन के अंदर वाई को मेन बेस रखते हैं और एक्स को उधर, हाँ सी लिखना जरूरी है। 4y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसको भी करो एलसीएम, एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 2x प्लस 2c अपॉन 2, कट गया, क्या हुआ सी का भी तो होगा क्या, आप पूरे उसको लोगे अगर आप एलसीएम कर रहे हो, आप नॉर्मली इसको, आप इसको एक पार्ट कंसीडर करके चलो एक नंबर की तरह, टेंशन ना लो, आखिर में 2c को एक नया नाम दे देंगे, a दे देंगे, c दे देंगे, c1 दे देंगे, कुछ भी नाम दे देंगे, कंफ्यूज हो गए आप, सी को एक नंबर की तरह कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करो। अब क्या बनेगा बेटा, 4y माइनस वाई स्क्वायर, खुद बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, इसको यहां शिफ्ट कर दूं, 0 = x² + 2x
प्लस टू सी माइनस फोर वाई प्लस वाई स्क्वायर, बोलो क्लियर। अब अरेंज कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस सी, नहीं सर टू सी, मैं नहीं सी वन लिख रहा हूँ मैं, सर अब ये क्या है बताता हूँ, वेयर सी वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चा, टू सी बस ही है, कोई भी नया वेरिएबल नाम दे देना, आपका मन करे आपका नाम क्या है पुलकित, पी दे सकते हो, पीयूष दे सकते, आई मीन पीयूष नहीं आई मीन पी दे सकते हो, अगेन पॉइंट क्लियर। ये था एक क्वेश्चन, तू करोगे एक सेकेंड, ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ, जनरल या पर्टिकुलर, ये जनरल है पर्टिकुलर है, ऑनलाइन कौन सा है मेरे बच्चा, पर्टिकुलर क्या होते थे, अच्छा ये कॉन्स्टेंट आर्बिट्री है नॉर्मल कॉन्स्टेंट है, आर्बिट्री, आर्बिट्री के अंदर जनरल होता है, पर्टिकुलर क्या जहां सी और ए बी सी ना आए वो पर्टिकुलर, जहां ए बी सी आ गए वो जनरल, क्लियर। आर्बिट कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, वन टू थ्री फोर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, आर्बिट्री ए बी सी कि जो वेरिएबल ना हो बट जो नंबर भी ना हो, ओके इसे नोट करो, एग्जाम्पल नंबर 11 न्यू बुक्स, न्यू बुक्स में एग्जाम्पल नंबर 6 अटेम्प्ट करके दिखाओ राइट नाउ, चेक करो अपने स्टेप्स, और जिसको आ जाए क्वेश्चन 3 एग्जाम्पल 11 और न्यू बुक्स में कौन सा वाला एग्जाम्पल 6 ना, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ये पीडीएक्स दे रखा है माइनस 4x वाई स्क्वायर, क्या करूं बेटा खुद बताओ, वाई स्क्वायर इधर और dx इधर, कितने बच्चों ने ये काम करा बताओ, डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4x 3x, अब क्या कर दूंगा मेरे बच्चा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4x 3x, यहाँ तक क्लियर। सॉरी आगे, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है वाई स्क्वायर का, y की पावर माइनस 2 डी वाई माइनस 4x dx एक साथ करूंगा, अब इसका कर दो डायरेक्ट कर दूं, चलो y की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 माइनस 4 x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ये हो गया माइनस 1 बाय y माइनस 2 x स्क्वायर प्लस c। अब इसको सॉल्व कैसे करें सर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है बेसिकली आपका c नहीं होता, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आता, क्या करना होता है आपने बस ये x और y जो भी वैल्यू दे रखी है ना आपने इसे पुट कर देना है, क्या चीज आप बोल रहे हो y की वैल्यू निकाल लो, कोई बाद में निकाल लो चाहो तो y की वैल्यू पुट करो, लास्ट में सॉल्व करते रहना, दिखाता हूँ कैसे, आपका ये मतलब है ना कि y इधर भेज दो इसको यहाँ भेज दो, यही सोचे कि दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, बात एक ही है, एक ही बात, अगर आप ऐसे भी कर दो तो भी कोई इशू नहीं है ऐसा, फिर ये पूरा होगा ध्यान रखना, अगर आप रेसिप्रोकल कर रहे हो तो इट्स अप टू यू, ठीक है वापसी आते हैं। अच्छा एक बच्चा कहता है माइनस से माइनस कट गया, क्या माइनस कॉमन है, क्या माइनस कॉमन है जो कट जाएगा, अगर माइनस कॉमन होता ना तो कट जाता, ठीक है अब पुट कर दो क्या वाई की वैल्यू कितनी, एक्सक्यूज मी माइनस वन अपॉन वाई माइनस टू और एक्स की वैल्यू भी बोली हुई जीरो, एक्स जीरो तो माइनस टू इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस सी, बेटा सी की वैल्यू कितनी आई माइनस वन, तो फाइनली वाई क्या हो जाएगा मेरा वन माइनस वन बाय वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन राइट, माइनस कॉमन ले लो टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब चाहो तो रेसिप्रोकल कर सकता हूँ या तो इसको यहाँ भेज दो, कैसे करना है रेसिप्रोकल, y क्या हो जाएगा वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, चेक इट आउट यही आंसर है, क्लियर या कंफ्यूजन, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट के दिखाओ राइट नाउ, बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया है, आइए ये कैसे होगा बेटा, इसमें सबसे पहली जो मिस्टेक, क्या आपने सेपरेशन करा,
बताओ क्या करा, एक मिनट ऐसे रखो, डी वाई बाई डी एक्स चेक कर लो बेटा, एक मिनट रुक जाओ, उसका देखने दे, ठीक है बिल्कुल सही का, वन माइनस वाई। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं, फिर इंटीग्रेट करा, डी वाई अपॉन वन माइनस वाई, इसके आगे नहीं करा होगा मेरे ख्याल से, क्या एक इसका इंटीग्रेशन क्या बना, लॉग मॉड वन माइनस वाई, सबने ये लिखा माइनस वाई, सर क्यों भूल गए, वेट जल्दबाजी में नेगेटिव क्यों आया सर, बेटा जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो याद करो, इसका तो लॉग मॉड हो जाएगा और इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते थे, कहते हो शिट, या अगर आपको दूसरे वे से समझना है, या तो आप दूसरे वे से भी समझ सकते हो, क्या कि आप माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, y माइनस वन तक तो माइनस कॉमन, और इसको फिर वहाँ भेज दो, ऐसे समझ लो जो मर्जी आपको अच्छा लगे, बोलो कौन सा वाला बेटर लगा, पहला वाला करो दूसरा वाला करो, जल्दी बोलो ऑनलाइन क्या कहते हैं, तो ठीक है फिर दूसरा माइनस जी एक्स, यहाँ तक क्लियर, ओके ऑनलाइन कैमरा ऑन। अब इसका इंटीग्रेशन करो लॉग का, सॉरी लॉग का बोल के मेरे मुंह से बोलना था, इंटीग्रेशन करो लॉग मॉड वाई माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स, यस ये भी बता देता हूँ, बच्चे ने कहा अगर मैं लॉग वो ले रहा हूँ तो भी, अभी उसका भी आंसर देता हूँ मैं, और अभी दिखाऊंगा कि सेम आएगा, पहले एक बार इसको करा दूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है इसका क्या हो जाएगा माइनस एक्स। अब मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, अगर आपका लॉग सी सुनना, अगर आपका ठीक है आप लॉग कभी भी ले सकते हो सी के साथ, जब आपका मन करे तब आप ले सकते हो, ठीक है चाहो तो नॉर्मल सी चाहो तो लॉग सी, सर फिर लेना कब चाहिए, हाँ बताओ फिर शाबाश, जब y के साथ log है तो आप इसके साथ log ले लेना c के साथ, दूसरा मान लो x में सब में log है तो भी ले लेना, तीसरा y भी log का x भी log का तो भी ले लेना, चौथा x के तीन log में चौथा tan इनवर्स में है तो मत लेना, ठीक है दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा आपको परेशान यही चैप्टर में करेगा कि कब ले कब ना ले, वैसे तो आंसर सेम आएगा घूम फिर आके आंसर सेम आता है, बट क्या है कब लेने में इजी रहता है, अगर y की तरफ log है, log वाली सिंगल टर्म है y की तरफ, तब log c ले लो, उसका कारण है क्योंकि फिर log मैं इजीली हटा सकता हूँ, log हटाना आता है नहीं आता, बताता हूँ a की पावर में डालते हैं, बिल्कुल सही कहा, फिलहाल क्या करूँगा मैं अब ये बताओ, इसको यहाँ कर देते हैं log mod y माइनस वन माइनस लॉग सी माइनस एक्स, अब लॉग सी वाई माइनस वन माइनस एक्स, क्या सी बेटा नीचे आएगा ना, ये देखो ये क्या होता है जब ये माइनस में होता है तो डिवाइड, यहां तक क्लियर, अब इसको कैसे करेंगे सर तो ध्यान समझना, अब मेरे को ये बताओ कि अगर मेरे को लॉग हटाने में क्या करूंगा, कोई जानता है लॉग हटाने के लिए, क्योंकि मेरे को y की इक्वेशन निकाल कोशिश करना होता है मेरे को कि y में निकले आंसर, y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, लॉग हटाते हैं तो दूसरे को e की पावर में डालते हैं, ये बात नोट्स में लिख लो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जिसका मान लो मेरा है log y is equals to कोई भी फंक्शन है लेट्स से ax, तो y क्या हो जाएगा अगर log हटाना है तो दूसरे को e की पावर में डालो, e की पावर ax, बोलो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कंफ्यूजन,
वापसी आते हैं, तो लॉग हटाते हैं, ये क्या देगा y माइनस वन बाई सी इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स, c इधर आके मल्टीप्लाई c e की पावर माइनस एक्स, y क्या देगा c e की पावर माइनस एक्स प्लस वन। बोलो क्लियर, यस और नो? आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं से आपने कुछ सवाल पूछा था उस समय, बेटा क्या पूछा था आपने डाउट? हाँ, बच्चे ने कहा कि सर मान लो अभी तो आपने ये ले लिया तो आपका ये आ गया, सर अगर मैं वन माइनस वाई रहने देती तो क्या होता, अगर तू भी दिखाता तो भी सेम आता, कैसे इसका इंटीग्रेशन? लॉग मॉड वन माइनस वाई माइनस, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अभी सी नहीं लिख रहा मैं। अच्छा जी, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ राइट, मल्टीप्लाई होने पर क्या बन जाएगा, याद है? सॉरी मैं बोलना भूलिए एक वर्ड, जब मल्टीप्लाई होता है क्या होता है, और लॉग में तो पहली बात नेगेटिव आ ही नहीं सकता, लॉग में माइनस आ ही नहीं सकता, है ना? कुछ तो गड़बड़ी है आंसर, बट सेम आता है मेरे बच्चा, एक मिनट की बात नहीं, आंसर सेम आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कहाँ की तरफ रह रहा होगा, लेट मी थिंक ओवर इट। वन माइनस वाई अगर मैं सही कर दूँ तो वन अपॉन हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ आराम से आराम से, दोबारा बोलो दोबारा, यहाँ पर है ठीक है, वन माइनस वाई, हाँ वन माइनस वाई, वाई डैश कैसे होगा क्या? अच्छा फिर एक मिनट मैं बता, पहले तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा सर? सर यहाँ पर मेरा थोड़ा सा पता नहीं यहाँ से क्यों मैच नहीं कर रहा, जबकि मैच करना चाहिए था, मैं देखूंगा अभी क्या एरर हुआ है इससे, ठीक है। एनीवेज तब तो यहाँ पर आए, आपने इसको y डैश नहीं लिखना, क्योंकि अगर आपने y डैश लिख दिया आपके वेरिएबल्स ये अलग नहीं होंगे, समझाता हूँ, वेरिएबल सेपरेशन के लिए एक तरफ y रहे एक तरफ x रहे तो सॉल्व होगा, अगर आपने इसको y डैश लिख दिया बेटा, अब बताओ आपके y के वेरिएबल्स कहाँ, फिर क्या बोल रहे हैं आप? मैंने लिखा है एक मिनट, तब तक बाकी को पॉज कर देता हूँ।